फ्रेंड्स, मुझे एक रिक्वेस्ट आई है अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने के लिए, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। उसका मेजरमेंट इस प्रकार है, लंबाई 34 इंच, आसन 10 इंच, मोहरी जो है इलास्टिक डलती है नीचे, इसलिए मोहरी का कोई नाप नहीं होता इसमें, और बेल्ट की लंबाई है 3 इंच, बेल्ट भी कम चौड़ी डालते हैं, और बेल्ट का घेर है 20 इंच और हिप जो है वो है 39 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कपड़े को ऐसे, हमने फोल्ड कर रखा है ये कपड़ा, ये खुला भाग है, उस साइड बंद भाग है, तो सबसे पहले हम बेल्ट छोड़ करके, बेल्ट हमारी 3 इंच है ना, 3 इंच छोड़ करके हम लंबाई प्लस 2 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि नीचे से सिर्फ फोल्ड होकर के इलास्टिक लगती है। लंबाई है हमारी 34 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 36 इंच। ये कॉटन का कपड़ा है, मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 36 1/2 इंच। ठीक है, ऊपर 3 इंच का बेल्ट के नाम का हमने कपड़ा छोड़ दिया है, ऐसे करके ये निशान लगा लेंगे 36 1/2 पर, और इधर से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड कितना करना है, क्योंकि ये प्रिंट वाला कपड़ा है तो हमें इसे फोल्ड करके पलटना होगा, नहीं तो हमारे फ्लावर्स के डिज़ाइन एक टांग के अलग और दूसरे के अलग बन जाएंगे। तो पहले मैं इधर से ऐसे कटिंग फोल्ड करके कटिंग करके पलटूंगी, तो फोल्ड करने के लिए हमें होगा हिप का 1/3 प्लस 2 इंच कम से कम मिनिमम। अगर आपने खुली ऊपर से पहननी है तो 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो हिप है इनके 39 का 1/3 हो जाएगा 13 इंच, और उसमें 2 प्लस करेंगे तो 15 इंच। तो ऐसे करके फोल्ड करके ये कपड़ा हमारा यहाँ से यहाँ 15 इंच आ जाना चाहिए। 15 इंच के बाद हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे, 15 इंच यहाँ तक आएगा, इसको हम इतना फोल्ड कर देते हैं, ऐसे 15 इंच की कटिंग करके, और यहाँ से 39 1/2 इंच की जो कटिंग है ना हमारी, और यहाँ से 36 1/2 जो हमने लेंथ ली थी वो मैं कट करती हूँ, और इसको पलट लेती हूँ, पलटना भी बताऊंगी। ये मैंने कपड़ा काट लिया है यहाँ से यहाँ 15, और ये लेंथ में 36 1/2। अब इसको हम पलटेंगे, यानी कि इसको ऐसे पहले खोलते हैं ऐसे, और ये वाले कपड़े को ऐसे इधर से इधर यूं पलट देंगे, तो इसके जो फ्लावर्स के डिजाइन होते हैं वो एक जैसे नजर आएंगे। अब इसको दोबारा सेट करके मैं इसकी कटिंग बताती हूँ। खुले भाग से हम आसन प्लस 1 इंच का निशान लगाएंगे, आसन है हमारा 10 इंच, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11, और इधर से 1 इंच ऐसे 1 इंच का निशान लगाते हैं, 1 से 1.5 इंच, और इसको इससे हम ऐसे मिला देते हैं, तिरछा हल्का सा यूं तिरछा करके यूं मिला देते हैं। ठीक है, और इधर से भी यहाँ से 1 इंच ले लो, 1.5 इंच ले लो, 2 इंच ले लो, मैक्सिमम 2 इंच होता है, मैंने 1.5 लिया है, और इसको भी हम इसके साथ ऐसे मिला देते हैं, ऐसे बाहर निकल जाएंगे यूं। अब इसकी कटिंग होगी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसमें ऐसे फोल्ड करके इसमें इलास्टिक डल जाएगी, और ऊपर हमारे थोड़े थोड़े चुन्नट डाल के जो है बेल्ट लग जाएगी। इसकी स्टिचिंग मैं अभी बताऊंगी। कटिंग इस प्रकार होगी, यहाँ से ऐसे इसको बाहर निकल जाओ यहाँ, और यहाँ से ऐसे इसको यहाँ तक काट, इसमें नीचे इलास्टिक डल जाती है और ऊपर प्लेट्स हल्के हल्के छोटे छोटे चारों तरफ प्लेट्स चढ़ के बेल्ट लग जाएगी। कटिंग करने के बाद हम इसका जो अफगानी सलवार है इसका पहले आसन जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ गुम सिलाई करेंगे ऐसे कम ज़्यादा करते हुए, यहाँ से यहाँ, ये जो हमारा आसन था 10 इंच तक हम इसकी ऐसे सिलाई करेंगे इस प्रकार से, यहाँ से ये एक मिनट, ये यहाँ से जो है ब्लैक है तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये सिलाई ऐसे
कि इतनी सिलाई होगी, नीचे का कपड़ा हमारा ऐसे हाफ इंच एक्स्ट्रा दिखाई देता रहना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी साइड भी हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। अब इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे ही रखेंगे यूं, और इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे ऐसे बिल्कुल इसके बगल बगल में। ये गुम सिलाई होती है, ये हर पजामे में या हर जो है जैसे अफगानी सलवार है, प्लाजो है, सब में आसन में यही सिलाई लगती है। पहले हमने इसको स्टिच किया, उसके बाद हमने इसको इस साइड रॉन्ग साइड से ये वाली सिलाई लगाई है, ये सिलाई, ये रॉन्ग साइड की सिलाई है। अब हम एक सिलाई यहाँ लगाएंगे इस तरफ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारी इधर मुड़ी हुई है, तो मुड़े हुए हिस्से में हम ये वाली सिलाई, तीसरी सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। ऐसे देखिए यहां से यहां ऐसे आसन में ये तीन सिलाइयां लगती हैं। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से यहाँ इस पूरे कपड़े को नापेंगे। ये आ गया हमारा 29 इंच, तो हम ऐसे लेंथ में डबल करके 29 इंच प्लस, क्योंकि इसमें जोड़ लगेगा तो हम 30 इंच कपड़ा काट लेते हैं यहाँ से इस प्रकार। 30 इंच कपड़ा ये काटेंगे और बेल्ट की हमारी लेंथ है 3 इंच, तो हम 3 का डबल 6 प्लस 1 इंच इसके अंदर डबल सिलाई लगती है, तो 7 इंच ऐसे करके ये कपड़ा लेंगे। ये पूरा 7 इंच है, तो हम यहाँ से 30 और ये 7 इंच कपड़ा काट लेते हैं। इसके बाद मैं इसकी बेल्ट बनानी बताती हूँ। बेल्ट का कपड़ा काटने के बाद हम इसको इसके ऊपर ऐसे जमाते हैं और यहाँ एक निशान लगाते हैं जो इसका एक्स्ट्रा है, इधर से भी इतना निशान लगाएंगे और इन दोनों तरफ से इन सिलाइयों को यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। ये मैंने इसकी बेल्ट तैयार कर ली है, इसमें बेल्ट हम डबल डालते हैं। तो अब जो है ये दो जो हिस्से हैं इसमें हम पहले इलास्टिक डालेंगे, जितनी मैक्सिमम चौड़ी हम इलास्टिक डाल सकते हैं उतनी चौड़ी इलास्टिक लेंगे और अपनी कमर के अनुसार कमर से 3 या 4 इंच कम हम इलास्टिक ले करके उस इसके बीच में डालेंगे और एक सिलाई हम यहाँ लगा देंगे ताकि इलास्टिक हमारी ऊपर की तरफ फिक्स हो। फिर इस डबल कप इसको हम डबल कपड़ा लेकर के ऐसे और ऐसे हम इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको ऐसे सीधा करके इसके ऊपर दबी सिलाई लगा दी जाएगी। ये इलास्टिक डाल करके और सिल करके दबी सिलाई लगा करके मैं इसके बाद जो है नेक्स्ट उसके बाद जो है नीचे मोहरी के पहले हम ये वाली पूरी सिलाई लगाएंगे ऐसे आसन की और आसन सिलेंगे और जितना हमें ये अफगानी सलवार की लेंथ चाहिए वहाँ पर एक निशान लगा करके इसको अंदर फोल्ड कर देंगे और इसमें हम बारीक इलास्टिक डाल करके जितना हमें कंफर्टेबल लगता है वहाँ सिलाई लगा करके बंद कर देंगे। ये हमारी इलास्टिक है, अब हम इसको ये जिससे हम इसको इसके अंदर डाल सकें एक ऐसे करके, मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको ऐसे पकड़ करके ये जो पैर का है इसके अंदर मैंने एक होल छोड़ रखा है, इधर यहाँ पर ऐसे होल छोड़ रखा है, ये देखो इसके अंदर मैं इसको डालूंगी ऐसे और इसको रोटेट करके घुमा करके
जहाँ ये मेरे को कंफर्टेबल लगेगा वहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा दूंगी और इसको बाकी की को काट दूंगी। ये मैंने इसके अंदर डाल करके इसको ऐसे चारों तरफ से निकाल दिया है। अब मेरे को ये जो पैर का होल है ये यहाँ कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको पकड़ करके ऐसे मशीन में 3-4 टांके ऐसे लगा दूंगी। यहाँ से इसको रख करके इसके नीचे ऐसे वापिस 3-4 टांकों में इसको फिक्स कर देंगे और ये बाकी की जो प्लास्टिक है हम काट देंगे। ऐसे ही हम दूसरे पैर में करेंगे। अब ऊपर की बेल्ट हम जितना हमारी पजामे की चौड़ाई है उतना लेते हैं और इसकी बेल्ट की जो लेंथ होती है ये कम होती है और इसमें ऐसे चौड़ी इलास्टिक हम डालते हैं। इलास्टिक का जो ये मैंने निशान लगाया है जो इस कमर में जो है पूरी कंफर्टेबल महसूस हो रही है जिसका ये जो है अफगानी सलवार है। ये है हमारी 14 इंच, यहाँ से यहाँ डबल 14 इंच है यानी कि उनकी वेस्ट जो है 29 इंच है तो हम उस पर थोड़ा सा कम काटेंगे और थोड़ा सा हमारा सिलाई में जाएगा और जो है हम इसके अंदर अब डाल के आपको बताते हैं। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे ऐसे और इसको ऐसे करके इसके साथ ऐसे कई सिलाइयाँ लगा करके इसको एक राउंड शेप दे देंगे इस प्रकार से। ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा सिल देंगे फिर वापस 2-3 सिलाइयाँ इस प्रकार हम इसको लगा देंगे। हम इस बेल्ट को इसके अंदर डालेंगे ऐसे एक होल करके इसके अंदर हम इसको ऐसे डालेंगे और इसको ये डबल करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ऐसे। इसके ऊपर नहीं सिलाई लगानी है हमने, इसकी बगल बगल में ऐसे सिलाई लगा करके इसको पूरा राउंड में हम इस बेल्ट को ऐसे जो है इलास्टिक को फिक्स करेंगे इस प्रकार। ऐसे हम इसको यहाँ ऐसे एक बार फिक्स कर देते हैं और ऐसे इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। और ये मैंने इस बेल्ट की सेंटर लाइन निकाली है, इसको मैं इसके यहाँ पर इस इलास्टिक के बिल्कुल बगल में रखूँगी और इसको ऐसे करके इस इलास्टिक की बगल बगल में साइड साइड में सिलाई लगाऊँगी। ये जो हमारी बेल्ट थी उसमें मैंने ये इलास्टिक डाल दी है। इलास्टिक को खींच खींच के और इसकी बगल में ऐसे इसकी साइड में हम एक सिलाई लगाते हैं ताकि जो ये हमारी इलास्टिक है ये ऐसे घूमे नहीं, रोटेट ना हो ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा एक सेंटर है और ये हमारा इस सलवार का सेंटर है तो हम इसको राइट साइड को राइट साइड से मिलाते हुए ऐसे ले जाएंगे और इस डबल कपड़े पे इसकी बेल्ट हम डबल इसलिए बनाते हैं ताकि ये मजबूत बन जाए और इस डबल कपड़े में हम यहाँ से यहाँ पूरी इस बेल्ट को इसके साथ जोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे जब ये जुड़ जाएगी इसको ऐसे दबा करके एक सिलाई हम यहाँ भी लगाएंगे। ये इस तरह मैं इसको जॉइंट करके और दबी सिलाई लगा करके आपको इसकी एक इमेज डालती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग नए तरीके से आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।